अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बन चुका है। आप सभी लोगों को याद होगा तो जब हम लोगों ने आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कवर किया था, और लगभग सभी संगठन आपके या जो भी आपके राष्ट्रीय हैं या अंतर्राष्ट्रीय सबको कवर कर चुका हूँ। अगर फिर भी कोई छूटा हुआ है तो आप लोग बताइए, उसे भी कवर करवा दूंगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप लोग कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इससे और हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो आप महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, सभी उसी में डले हुए हैं, ठीक है। और आपसे उस समय एक बात और बोली थी मैंने कि यहाँ ये स्थायी आंकड़े पढ़ा दिए गए हैं आपको, और अस्थायी आंकड़े आपको करंट से अपडेट करते रहना है हमेशा। जैसे आप देखिए कि पहले 189 देश हुआ करते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अब 190 देश हो गए। तो आप देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में कौन सा देश IMF का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, कौन से नंबर का है, या पूछ ले कि कितने इसमें देश हैं। तो आप सोचिए, 189 नहीं लगाएंगे आप लोग? आप लोग अभी जो हाल में ही हुआ है, अपडेट हुआ है, ऐसे ही लगाएंगे ना? तो इसीलिए कहता हूं कि स्थायी आंकड़े तो आप रट लीजिए, लेकिन जो अस्थायी आंकड़े हैं उन वो हमेशा बदलते रहते हैं, उसके लिए करेंट अफेयर से जुड़े रहिए। और करेंट के लिए कोई भी न्यूज़पेपर एक फॉलो करिए, आप लोग जनसत्ता हो गया या दैनिक जागरण हो गया, ठीक है। और इंग्लिश का, आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश का पेपर मत पढ़ा करिएगा, क्योंकि इसके लिए आप जानते हैं बेहतर कि कितना टाइम आप लोग वेस्ट करेंगे उसमें, क्योंकि आप इतने इंग्लिश में आपकी इतनी अच्छी नहीं है कि आप 1 से 2 घंटे में उसे कवर कर ले। समझिए कि आप 2 से 4 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने में गुजार देंगे उसे, समझ में छोड़िए, ठीक है। तो आप देखेंगे यूरोप का एक देश अंडोरा 16 अक्टूबर 2020 को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हो चुका है। इससे पहले 2016 में नोरो गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189वें देश के रूप में शामिल हुआ था। तो आपसे देखिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस किस तरह से बन जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अभी हाल ही में एक देश जुड़ा हुआ है, इसमें कौन सा था, किस नंबर का था, किसवें नंबर का था, और इससे पहले लास्ट में कौन सा 189वां देश कौन सा बना था। तो ये आपके 3-4 कथन दे देगा, लास्ट में ऑप्शन दे देगा, आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो एक बार आप अंडोरा की स्थिति देख लीजिए मैप में, देखिए ये है आपका हमारा प्यारा भारत, ठीक है, एशिया में। जैसे ही यूरोप में आप जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्पेन ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर फ्रांस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा अंडोरा, दिख रहा होगा आपको अंडोरा, छोटा सा देश है आपका अंडोरा, ये ठीक है। देखिए यहां भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ छोटा सा देश है, फ्रांस ऊपर, स्पेन इसके बाद। अंडोरा मुख्यतः पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी कि कहने का मतलब है कि घूमने एक शहर से आप दूसरे शहर जाते हैं ना पर्यटन के लिए, तो इसी तरह से एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं इस तरह से, तो ये पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारी भी अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं कि पर्यटन काफी अच्छा योगदान भी देता है। कोविड महामारी ने पर्यटन को पूरी तरह से ठप कर दिया है, इसलिए इसे अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना पड़ा। अंडोरा के बारे में बात करें तो अंडोरा यूरोप के पेरेनीज पर्वत के दक्षिण चोटियों में स्थित है, या उत्तर पूर्व में फ्रांस से तथा दक्षिण और पश्चिम में स्पेन से घिरा हुआ है। ये भी पूछ लेता है, कई बार चर्चा में रहता है। आप लोगों ने जब मैप्स कवर किया हुआ था आप लोगों ने, और सभी देशों के बारे में चर्चा की थी, तो उस समय भी आप लोगों के कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस था कि सर इतने क्वेश्चंस को, इतने देशों को हम कैसे रख सकते हैं, आखिर सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है कि सबके बारे में आप लोग याद रख लें। तो ये एक स्मार्ट गिरी यही होती है कि आप लोग कभी चर्चा में है कोई देश तो उसके कहाँ किससे सीमा लग रही है, क्यों चर्चा में है, इसी के बारे में आप लोग थोड़ा जानकारी रख लिया करिएगा। और UPSC हो या फिर STPCOS हो, जो चर्चा में रहता है उसी से करंट से बन के आपके सामने आ जाता है। अंडोरा देश यूरोप का छठा सबसे छोटा देश है, दुनिया का 16वां सबसे छोटा देश है, अगर यूरोप का पूछे तो छठा सबसे छोटा देश है, और दुनिया का पूछे तो 16वें नंबर का है छोटा देश। इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला है, ठीक है, जो यूरोप की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, किसकी, यूरोप की। इसका क्षेत्रफल देखेंगे 468 वर्ग किलोमीटर है, 181 वर्ग मील, और जनसंख्या करीबन यहाँ 85,000 देखेंगे, कितनी, कोई जनसंख्या खास नहीं है यहाँ, 85,000, ठीक है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, और परंतु यह यूरोपियन यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, जो यूरोपियन यूनियन है इसका सदस्य भी नहीं है, इसकी मुद्रा लेकिन यूरो है।
अंडोरा ने 1993 में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया था। अंडोरा की आधिकारिक भाषा कैटलन है और इसके साथ साथ यहाँ स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आपका अंडोरा की स्थिति खत्म हो चुकी है। आप समझिए, अंडोरा के बारे में इतने पॉइंट काफी है आपके लिए। अब जानना है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। इस कोष की स्थापना जुलाई 1944 में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन बेटन वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में हस्ताक्षरित समझौती के अंतर्गत की गई थी। तो इसकी स्थापना आप एक शब्द याद रखिए, बेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी 1944 में। 27 दिसंबर 1945 को भारत समेत 29 देशों ने मिलकर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया। तो आप याद रखिए, 1945 से ही भारत इसका सदस्य बन गया। इसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वित्तीय निगरानी और क्षेत्रीय आर्थिक रिपोर्ट विकसित की जाती है। इन रिपोर्टों को भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ करता है जारी, और आपका वित्तीय निगरानी रिपोर्ट भी और क्षेत्रीय आर्थिक रिपोर्ट भी। अब आपके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आईएमएफ का कार्य क्या है। वैसे हम लोग बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम भी करती है, और यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। और ये संगठन क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में इसकी सहायता, इन देशों की सहायता भी करती है। ठीक है, यही इसका एक तरह से काम है। तो इसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और अभी 190 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा और यही पूछ लेगा, याद रखना आपको।